राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा श्यामा श्याम के श्री चरणों का दृढ़ आश्रय किसी भी स्थिति में उपासक को पतित नहीं होने देता। समस्त अंतःकरणों में दुर्वासना मम सदा परिकर्षयंती, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने की वृत्ति सबके हृदय में रहती है। कुमति उसे प्रेरित करके वासना को बलवान बना देती है, कुसंग उसे और पुष्ट कर देता है, जिससे जगत के भोगों में सुख बुद्धि दृढ़ हो जाती है। यही हृदय में रहते हुए भी प्रभु का अनुभव ना करने का कारण है। प्रभु सबके हृदय में है, पर अनुभव कौन कर सकता है? काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। श्री वाल्मीकि जी महाराज परब्रह्म परमात्म स्वरूप भगवान श्री राम जी को कहते हैं, जिसके हृदय में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, अहंकार नहीं है, मान की इच्छा नहीं है, किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, हृदय में कपट नहीं है, दंभ नहीं है, मैं मोर तय तोर नहीं है, हे प्रभु ऐसे हृदय में आप निरंतर प्रकट होकर विराजते हैं। अब ऐसी स्थिति तो बड़ी दुर्लभ स्थिति है जिसमें कोई भी विकार हृदय में ना हो, तब तो हमारी परम गति हो ही नहीं सकती, क्योंकि हृदय में देख रहे हैं कि मन विषयों में सुख बुद्धि करके विचरने में मगन रहना ये अच्छा लगता है, लेकिन उसका निषेध करके प्रभु के चिंतन में मगन रहने की चेष्टा करना ये बात जलाती है। सब लोग देख लीजिए, कोई भगवत मार्ग में ये दृढ़ निश्चय करके जब चलता है उपासक कि चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जितना अपमान मिले, चाहे जैसी परिस्थिति हो, अब हम विचलित नहीं होंगे, एकमात्र प्रभु के आश्रित रहकर उनका चिंतन करेंगे, असत भोगों की प्राप्ति होने पर भी हम उन्हें नहीं भोगेंगे भगवत प्राप्ति के लिए। उसके इस निश्चय से सामर्थ्य जागृत होने लगती है और उस निश्चय की पुष्टता निरंतर भजन से होती है। जो निरंतर भजन परायण रहता है, अंतर पड़ने पर व्याकुल होता है, वही इस पर विजय प्राप्त कर सकता है। ध्यान रखना, तद स्मरणेन परम व्याकुलते। अगर यह निश्चय किया और निरंतर भजन नहीं, तो निश्चय कोने में रखा रहेगा, तुम्हारा नहीं निश्चय काम करेगा। तो निरंतर भजन होना, दृढ़ निश्चय करना और निर्विकार रहना, ये तो बड़ी ऊंची स्थिति की बात है। कोई ऐसी बात निकले जो हम जैसों के लिए एकदम सरल हो और निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए, तो बात आई, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाय न कोई। बोले यद्यपि वो विषयी है, अभी ऐसी स्थिति नहीं है, नहीं स्वात्मारामं विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता, वो ऐसी स्थिति का नहीं है, अभी विषय उसे सुखमय लगते हैं, पर उसने ये निश्चय कर लिया है कि मैं श्यामा श्याम का हूं, बहुत बड़ी बात हो गई है। और ये निश्चय उसी के हृदय में होता है जो श्यामा श्याम के हैं, उनका जिनको संग हो गया है।
श्यामा श्याम के अनुरागी जनों के संग के प्रताप से ही यह निश्चय होता है, क्योंकि वो भी सही है, उसके अंतःकरण में ऐसी आध्यात्मिक बल वृत्ति नहीं कि वो निश्चय कर ले, पर यह निश्चय हुआ भगवत कृपा से, भगवत प्रेमियों के संग से, यद्यपि वो विषयी है पर उसने निश्चय कर लिया कि मैं श्यामा श्याम का अनन्य हूं, श्यामा श्याम के सिवा कोई नहीं है। बड़ा चमत्कार हो जाता है। ध्यान दीजिए, विषयी है पर उसने निश्चय कर लिया है कि श्यामा श्याम के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये वासना बहुत दूर तक जाती है, बातें बनाना अलग बात है, लेकिन दुर्वासना की व्यथा को सहजाना ये कोई भगवत कृपा पात्र से ही हो सकता है। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो वासना के आकर्षण में मन हमारे हृदय में मचकर व्यथा पैदा करता है, उस व्यथा को सहजाना, दुख अपमान निंदा क्लेश सर्दी गर्मी ये द्वंद्वों को सह जाना संभाव से, वही परम पद का अधिकारी होता है। भगवान गीता जी में कह रहे, लेकिन सह पाना बहुत कठिन बात है, हो पाना तो सरल है ना, इसी से परम पद प्राप्त हो जाएगा। श्री लाडली लाल के चरणारविंद का अनन्य भाव से आश्रय लेने पर यदि वासना बनी भी रही तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ जाओ समय नहीं अपने पास। ध्रुवदास जी कह रहे, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेषम लाय, करोड़ों जितेंद्री करोड़ों कर्मकांडी धर्मानुष्ठानी श्यामा श्याम के विषयी अनन्य भक्त के समान नहीं हो सकते, ये परम ऋषिक श्री ध्रुवदास जी कह रहे। दूसरी बात, श्री कोल्ह जी और अल्लाह जी का एक चरित्र आता है भक्तमाल जी में, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। भगवत कृपा से कोल्ह जी बचपन से ही भगवत चरणारविंद के अनुरागी और बैरागी, त्यागी और बैरागी और उपरति में अंतर होता है। त्यागी में भोगों के प्रति महत्व बुद्धि होती है पर परमार्थ में बाधक, इसलिए वो त्याग देता है, पर अंदर उसके राग रहता है, उसे त्यागी कहते हैं। भोगों के सानिध्य में भी भोगों की इच्छा न रह जाना यह बैरागी का लक्षण है, और भोग को भोग वृत्ति से देखना ही नहीं, भोग है ऐसी वृत्ति ही नहीं रह गई, उसे उपरति कहते हैं। कोल्ह जी बचपन से भगवान नाम गुणगान करने वाले और सच्चे बैरागी, तीर्थयाटन करना, संत समागम करना, शास्त्र के अनुसार चलना। और जो छोटे भाई थे अल्लाह जी, उनके हृदय में वासना का बड़ा तूफान उठ रहा था। यद्यपि आगे इनको प्रभु परिचय बताएंगे इनका, पर सारांश में ये पूर्व जन्म में बहुत ही त्यागी और निरंतर भगवत आसक्ति के लिए प्रयासरत रहने वाले संत रूप में हुए थे। एक दिन ये एक वाटिका में विश्राम कर रहे थे तो वहां देखा कि राजकुमार अपने परिकर सहित आया, तो रसेंद्री जनेंद्री के सब भोग विलास वहां हो रहे और ये उसे देख रहे थे, दास दासियां सुंदरियां सब। इनके मन में आया कि इतने दिन हो गए भगवान का भजन करते, ऐसा कुछ आनंद तो नहीं है, देखो ये कैसे नाच रहे हैं कूद रहे अच्छे अच्छे पदार्थ खा रहे हैं और ये सब विलासिता हो रही है, तो जरूर इसमें सुख। मन में निश्चय हुआ कि अब तो हम वैरागी भेष में हैं, नहीं तो एक बार तो हम देखते ही किसमें सुख है, क्योंकि ये लोग सब आनंदित हो रहे हैं, अब कैसे होगा क्या होगा। वासना को स्थान दे दिया गया। ध्यान रखना, हमारे प्रभु का स्वभाव है यदि आप कोई वासना प्रबल करके इस मार्ग में जाओगे तो पहले आपकी वासना की पूर्ति होगी, और अगर वासना को प्रबल ना किया और प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया तो भस्म हो जाएगी,
प्रबल एक मिलना ही चाहिए, फिर जो इच्छा करी हो मनमाही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। विभीषण जी भी प्रभु के समीप गए, उनके चरणों के दर्शन से हृदय में ऐसी आनंद द्रवण क्रिया हुई कि बस यही कि अविचल भक्ति मिले। तो प्रभु ने कहा नहीं, पहले लंकाधिपति बनो। समुद्र का तिलक समुद्र जल से किया, विभीषण जी स्वीकार कहते, उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभु चलते समय तो ऐसा ही निश्चय किया था, तो प्रभु ने कहा अविरल भक्ति भी मिलेगी, पर लंकाधिपति का तुम्हारे मन में भाव आया था इसलिए बने। उसी वासना का चिंतन उनके निरंतर भगवत चिंतन में बाधक बनकर खड़ा हो गया, और वो पधारे तो ऐसे भागवत के भाई बने आके अल्लजी के रूप में। पर वो वासना थी ना, तो इस जन्म में उन्हें राजकुमार की मित्रता मिली, और वो राजकुमार इतना प्यार करता कि समान भोग प्रदान करता, समान आसन पे बैठालता, साथ शिकार ले जाता, सब भोग विलासिता, वैसे ही खान पान सब। पर उनमें पूर्व संस्कार के बस एक बड़ी विचित्र बात थी कि अपने भाई को भगवान के समान मानते थे, कि मैं कहां नीच अधम और कहां मेरा भाई भगवत भजन करने वाला। भगवत भक्त का आदर मात्र प्रभु की प्रसन्नता का हेतु हो जाता है, समझ लीजिए। भगवत भक्त का आदर मात्र, कोई भक्त जा रहा है, आप वाहन में उतर के खड़े हो गए, ये साक्षात प्रभु का आदर है, क्योंकि वो प्रभु का पार्षद है, प्रभु का दास है। वो अपने भाई पे भगवत बुद्धि की, मेरे भगवान ही भाई के रूप में है, क्योंकि ये निरंतर भजन करते, और कहां मैं नीच, नाना प्रकार की ऐसी खान पान सामग्री जो हमारे भाई के सामने वर्णन नहीं की जा सकती वो मैं पाता हूं। अंदर ये था, पर पूर्व वासना के कारण सब विलासिता मिली। तीर्थयाटन करके एक दिन कोल्हे जी आए और दृष्टि गई तो प्रणाम मुद्रा में अल्लाह जी खड़े थे। उन्होंने कहा भाई जिन तुम भोगों में लगे हुए, तुम्हें क्या आनंद मिला? मतलब इसी वासना ने आज तक तुम्हें भगवत प्राप्ति के मार्ग में दृढ़ नहीं होने दिया, क्या रखा है इन भोगों में, क्या तुमने अनुभव किया? एक बात मेरी मान लो, चलो मेरे साथ प्रभु के दर्शन करने चलो द्वारिकाधीश के। वो श्रद्धा तो भाई पर रखते ही थे। मन में उनके बड़ी ग्लानि है और बड़ी दैन्यता है। ग्लानि इस बात की कि ऐसा भाई और मेरे ऐसे आचरण, और दैन्यता इस बात की कि मैं प्रभु के सामने जाने योग्य भी नहीं हूं। गए, भाई ने भगवत लीला के पद सुनाए बड़े भाई कोल्हे जी ने, फिर छोटे से कहा कैसे संकुचित खड़ा है, प्रभु बड़े उदार हैं, करुणामय है, कुछ सुना ना। तो वो आसिक मिजाज थे, तभी तो भोगों की प्रियता थी। देखो ये जो राग है ना, अगर इसे मोड़ दिया जाए तो बहुत जल्दी अनुरागी हो जाता है। इसीलिए पूज्य श्री जीव गोस्वामी के पास जब कोई शरणागत होने जाता तो पूछते तुम्हारा मन कहाँ है, तो जैसे कोई कहता स्त्री में तो बोले काम लायक हो आ जाओ, पुत्र में आ जाओ। एक गए, कुछ भेंट चढ़ाई, कहा शिष्य होना चाहते हैं, बोले तुम्हारा मन कहाँ है, बोले कहीं नहीं लगता, बोले बनारस जाओ काशी, वहां लगो वेदांत में तो भले उन्नति हो, यहां नहीं होगी, यहां तो रागी की उन्नति होती है, क्योंकि उसका चित्त ऐसे लगा ऐसे समिट गया। देखो बड़े बड़े संतों के चरित्र में वो बड़े रागी थे, मुड़ गया मन, बड़े अनुरागी हो गए। जैसे गोस्वामी जी, जैसे बिल्व मंगल जी, बड़े रागी थे तो बड़े अनुरागी हो गए। अल्लाह जी से कहा कोई पद सुनाओ, तो उनकी स्मृति शक्ति बड़ी प्रवीण थी, क्योंकि पूर्व भजन किए हुए थे, तो चार लाइन का एक सवैया जिसमें ब्रजलीला में लालजू महाराज जो लीलाएं करते, चार पंक्ति बड़े डरते हुए संकोच में गाया, तो सामने से वाह वाह वाह, सब आश्चर्यचकित हो गए, लगा कि इतने महाभागवत बड़े भाई कोल्हे जी हैं, अभी ये गाए थे तो भगवान को अवसर नहीं मिला होगा, अब समय मिला है तो वाह वाह कह दिया। उधर पुजारी को भगवान ने प्रसाद माला
यदि, और बोले वो जो बैरागी खड़े ना उनके पीछे जो खड़े ना उनको जाके दे दो। वो गए और कहा कि भगवान ने आप, बोले भूल गए, ये भैया के लिए भेजा होगा, क्योंकि मैं तो नीच अधम गलत आचरण करने वाला, गलत खान पान, मैं तो यहां खड़े होने लायक भी नहीं हूं। और आंसू आ गए और कहा ये परम भागवत बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग में है, इनको, इनको कहा, मेरे को? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि जो बैरागी खड़े उनके पीछे जो खड़े उनके, और माला पहना दी। और प्रश्न, बड़े भाई लाए थे वही कृपा करवाने, पर जब ये देखा कि हमारे गाने पे तो कुछ नहीं बोले, इसके गाने पे वाह वाह बोले और इसको प्रसाद और माला भेजा, तो हृदय में जलन पैदा हो गई। कोल्हे जी ने कहा जीना बेकार, जिसके लिए जी रहे थे वो तो हमारे हुए नहीं। देखो ईर्ष्या कैसी विचित्र, कौन प्रभु, ये शराब पीता है, ये इधर उधर के भोजन पाता है, राजाओं के साथ रहकर ऐसे आचरण करता है गंदे गंदे, इसको माला और प्रसादी, जीवन हो गया माला धारण किए इनके नाम का, ना तो मेरे लिए वाह वाह काल, ना मेरी कोई चर्चा है कि मरना अच्छा, समुद्र में जाकर अब प्राण त्याग दे। कूद गए समुद्र में, छोटे भाई ने प्रसाद भी नहीं चखा, क्योंकि प्यार करता था अपने बड़े भाई से कि भगवत भक्त है। लोगों ने उनको पकड़ा नहीं, वो भी कूद जाते, पकड़ लिया उनको। अब ये जब समुद्र में कूदे तो भगवान द्वारिकाधीश के पार्षदों ने इनको पकड़कर दिव्य द्वारिकापुरी में, अब हृदय शीतल हुआ कि उसको तो वहां प्रसाद मिला, यहां तो मुझे आनंद मिल रहा है, प्रभु आए, आओ आओ बैठा ला। और बोले लाओ प्रसाद, लाओ दिव्य प्रसाद सामने। बोले एक नहीं, दो परोसा, दो। तो कोल्हे जी ने दो किसके लिए प्रभु, एक में ही हम तृप्त हो। बोले नहीं, अल्लाह जी के। अब इतना बढ़िया ये परमानंद भी उनको चुभले, यहां भी वो, यहां भी उदास हो गए। प्रभु ने कहा तुम प्रसन्न क्यों नहीं हुए? बोले प्रभु आपसे क्या छुपा है, मेरे हृदय में ऐसी बात है कि वो इतना गंदा आचरण करने वाला वहां तो चलो प्रगट, अब यहां भी आप उसके लिए? तो उनका तुम जानते नहीं हो, तुम तो इसी जन्म में भजन प्रारंभ किए हो, ये पूर्व जन्म में मेरा आश्रय लेकर भजन कर रहा था, पर वासना आ गई थी, इसलिए उस वासना को नष्ट करने के लिए ये अवसर उसे खोना पड़ा, क्यों नहीं तो उसी जन्म में मेरे पास आ जाता। जाओ, अब भी उसने प्रसाद नहीं चखा तुम्हारे बिना, वो तो लोग पकड़े नहीं तो प्राण त्याग दे, और तुम भजन करते रहे हो और ईर्ष्या भी हृदय में है। विचार करो, अगर हमारे हृदय में कोई वासना है तो हमारा समय बर्बाद होगा। प्रभु ऐसे कृपालु हैं कि एक बार जिसे पकड़ लिया उसे छोड़ते नहीं। देखो प्रभु का वो याद नहीं कर रहा था स्मरण लीला गायन नाम जब, इस जन्म में रजोगुणी भोग वासना में फंसा था, लेकिन प्रभु की दृष्टि से वो अलग नहीं था। इसीलिए यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते शमल है न कोई। अगर कोई वासना प्रबल रखोगे और प्रभु से मांग करोगे तो समय आपका नष्ट होगा, हो सकता है जन्म भी चूक जाए। और यदि वासना है और उसे समर्पित कर दोगे कि प्रभु मेरी चाहत है, पर आप देख लीजिए, आप अगर ऐसा समझे कि भजन में बाधक है तो नाथ मेरे मांगने पर भी कभी न देना, प्रभु आपके सामने हमारे हृदय की सब वासनाएं समर्पित हैं, क्योंकि आपके सिवा कोई हमारा है नहीं। तो वासना होते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, प्रभु के चरणारविंद की अनन्यता। मुझे लगता है कि अपने लोग जो कलयुगी हवा पानी में पल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं है कि हम निर्विकार होकर परम पद में जाएं, अभी ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही। जो पुराने उपासकों में, पुराने महात्माओं में निष्ठा देखी गई, दृढ़ता देखी गई, वैराग्य देखा गया, एक निष्ठा देखी गई, वो अपने लोगों में कहीं नजर नहीं आ रही है। अब क्या करें, हमें तो चाहिए प्रिया प्रीतम, तो बस जैसे हैं हम, जहां हैं हम, बस केवल प्रिया प्रीतम का अनन्य आश्रय ले लो तो वही गति प्राप्त होगी। ध्यान रखना, पूर्व में आपका जीवन क्या रहा है प्रभु ये नहीं देखते, वर्तमान में आप प्रभु के आश्रित हो ये देख लेते हैं।
बिल्लो मंगल जी पूर्व में पूरा वैश्यागामी जीवन रहा, लेकिन जब प्रभु के लिए उन्होंने अपनी दृष्टि भी समर्पित कर दी तो हाथ पकड़ लिया नंद नंदन ने आकर के, बाह पकड़कर वृंदावन लाए, भजन बल से नहीं आश्रय बल से। हम प्रभु के आश्रित हो जाए। सच्ची मानिए, जब तक शरीर का आश्रय रहेगा, देहाभिमान रहेगा, तब तक ये विकार वासनाएं रहेंगी। जहां प्रभु के दृढ़ आश्रित हो जाएंगे तो फिर विकार वासना यद्यपि स्फुरित होती है, जब तक स्वरूप बोध या भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक स्फुरित होती है, पर वो विचलित नहीं करती है। तो हमारी सदैव प्रभु में स्थिति रहे, वासना का आकर्षण ना रहे, इसके लिए हमें प्रभु की वो कृपा चाहिए जो कभी भी किसी भी कारण से बाधित नहीं होती। वो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे, जो सतत मेरे भजन का प्रयास करता रहता है, स्मरण करता रहता है, लीला गायन करता रहता है, मेरी सेवा करता है, तो मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूं, अर्थात बुद्धि में परमात्म तत्व की स्थिति प्रदान करता हूं। अब भजन करना नहीं है, अब निश्चय नहीं करना, अब तो निरंतर भजन होता है। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। ये जो बुद्धि योग प्राप्त हो जाता है, अब माया की ताकत नहीं कि विचलित कर सके। जहां भजन छूटा, निरंतर भजन नहीं, बस वही अवसर है विकारों का, वही अवसर है वासना का जो हमारे को परमार्थ से बिलक कर सकती। इसीलिए परम ज्ञानी परम महान भागवत श्री हनुमान जी महाराज कह रहे, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तव सुमिरन भजन। जहां भगवत विस्मरण हुआ, भजन नहीं हो रहा, उसी समय कोई न कोई विकार, कोई न कोई राग देश, कोई न कोई मायाकृत वो जाल ऐसा बांध लेगा कि हम फिर परेशान हो जाएंगे। इसलिए सतत भजन का प्रयास और भगवत आश्रय दृढ़, हमारी सारी स्थिति आ जाएगी। जब तक हम प्रयासरत रहे कि निर्विकार हो जाएं, तब तक जलन भी रही और असफलता भी रही। जब हार गए और हाथ उठा दिया, जैसी आपकी इच्छा हो, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरी, अब देख लो, उन्होंने देख लिया। अगर कोई निर्विकार हो सकता है तो केवल गुरु कृपा कटाक्ष, केवल हरि कृपा कटाक्ष। अपना प्रयास रहना चाहिए, पर निर्विकारता अपने प्रयास से नहीं होती, क्योंकि अपना प्रयास अहम युक्त होता है। जहां हम कर रहे हैं वहां देहाभिमान रहता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति, मन मैं ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, इसमें निर्विकारता नहीं होती। इसमें विकार स्थिति में ही वो अपने को निर्विकार समझता है। निर्विकारता होती है हार गया प्रभु के आगे पूर्ण रूप, बस वहीं खत्म। क्योंकि जितने विकार हैं हरि विमुखता में हैं। देख लीजिए, ये जितने विकार हैं हरि विमुखता में है, हरिश्चन्मुक्ता में तो निर्विकारता है। विकार की प्रति हमारी जो सुख बुद्धि होती है, उसका कारण है हृदय में सुख सिंधु का सुख न मिलना। तो भगवत विमुक्ता हुई ना, हृदय द्रवित हो, फिर देखो कौन विकार है। रोम रोम पुलकित हो रहा है, हृदय द्रवित होके बह रहा है, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही, विकार ठौर नहीं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जानी परे कान है कि प्राण है। ये तो भगवत विमुखता, देहाभिमान, इसी में सारे विकार हैं। इसमें रहकर तुम कभी निर्विकार नहीं हो सकते। देहाभिमान से दासत्व के अभिमान में आओ, शरीर संसार भोगों की सुख बुद्धि का त्याग करके सुख समुद्र श्री प्रियालाल के चरणों की प्राप्ति का निश्चय करो। आश्रय से सब हो जाता, सब अद्भुत आनंद, आश्रय से अद्भुत आनंद, अद्भुत आनंद। बस मान लो
ये आश्रय तभी तुम समझ नहीं पा रहे हो जब तक कुछ अहम है, थोड़ा सत्संग से विवेक जागृत हो, फिर आप देख पाओगे कि आप हो क्या, आप क्या कर सकते हो। यंत्र की तरह माया में चढ़ा हुआ एक कठपुतली की तरह नाच रहा है, यंत्रारुणानि मम माया, भगवत आश्रित हो जाओ। वो यंत्र अब माया से नहीं चलेगा, भगवत कृपा से चलेगा। अगर अहम से चल रहे हो तो माया से है, और अगर कृपा से चल रहे हो तो भगवान की दया में आ गए हो, भगवान की कृपा में आ गए हो। बिल्कुल संशय मत करो। तुम्हारे हृदय के विकार जितना समय तुम विमुख हो उतने ही समय है, प्रभु की सन्मुखता में विकार नहीं है। बिना चिंतन के कोई विकार तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, पकड़ो बात। विकार तभी तुम्हें परास्त करेगा जब तुम उसको चिंतन करने का समय दोगे। नहीं, कोई विकार त्रिभुवन में इतना बलवान नहीं है कि हरि चिंतन करने वाले पर अपना प्रभाव डाल सके। उसकी सत्ता ही चिंतन है, चिंतन नहीं तो उसकी सत्ता ही नहीं, जगत की सत्ता नहीं, सत्ता ही चिंतन है। चिंतन को छोड़िए, इधर चिंतन लगाइए, फिर देखो आनंद ही आनंद है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन, राधा वल्लभ।